तो क्लास 11 फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर को आज हम लोग खत्म कर देंगे। बातें नहीं। तो एक बार आप लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक निकाल लेंगे, है ना। एक बार निकाल लो अपना। ऑर्बिटल वेलोसिटी में ढेर सारा प्रूफिंग हुआ था, है ना। उन बहुत सारे प्रूफिंग में मतलब कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को याद ही होगा, फिर से पूरा करने वाले नहीं है क्योंकि वो कर लिए थे। एक सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड या किसी प्लैनेट के अराउंड, विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। इनका प्रूफिंग वगैरह करवा दिए थे, वो नहीं कर रहा है अभी। उसमें से कुछ एक खास बात के बारे में बात करना हम लोगों को। इसमें बहुत सारे डेरिवेशन हुआ था, इसी में एक ये भी आया था कि ये एक्स कितने हाइट पर वो सैटेलाइट उड़ता है। ये अलग बात है कि जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जो डेरिवेशन हम लोग किए हैं, जो लोग क्लास में थे आप लोग देखे थे, मेंस एडवांस नीट का ज्यादातर क्वेश्चन, यहाँ तक कि प्रूफ दैट का भी ज्यादातर क्वेश्चन जो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे था, वो सैटेलाइट कहां पर उड़ता था, एट प्लेसेस नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, प्रूफिंग सब में। बट हर बार तो नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ होगा नहीं। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था, आप लोग अपना अपना कॉपी से मिला लेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये जो हाइट है, जिस हाइट पर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड गोल 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 घूमता है, उसका ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई 4π² का क्यूब रूट वाले साथ, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है, हम लोग ने डिराइव वगैरह तो सब कर लिया। अब हम लोगों को करना क्या है कि एक्चुअली में सिर्फ सैटेलाइट थोड़ी गोल 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 घूमता है, ये हमें मालूम है, फोर्थ थर्ड क्लास से हम लोग जानते हैं साइंस में। ये जो अर्थ है, मतलब जो प्लैनेट है, वो भी क्या करता है, वो भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। इसका तो तुम यूज ही नहीं किया ना प्रूफिंग में ना क्वेश्चन में, और करना भी नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि उसको गोल गोल एक्सिस पर घुमाने का मतलब होगा कि आपको रोटेशनल मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग किए नहीं है, है भी नहीं इस चैप्टर में। आपको इस प्लैनेट को गोल 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 घुमाना है नहीं एक्चुअली में, बट यहाँ पर देख रहे हैं ये फॉर्मूला है। इसमें अगर हम लोग टाइम पीरियड को 24 घंटे में सिंक्रनाइज करते हैं, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन, और वो सैटेलाइट का रोटेशन अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट कर दें, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट ही किसका डायरेक्शन है, अर्थ भी जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही करता है, ठीक है, समझ आ रहा। और ये सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर 24 घंटा फिक्स करते हैं इस फॉर्मूला में, आर तो हमें मालूम है अर्थ का 6400 किलोमीटर है, जी बिल्कुल सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4π² का वैल्यू हमें मालूम है। इन सबको रखेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब इस फॉर्मूला में जब हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो ये जो x का वैल्यू आएगा, दैट हाइट, ये जो x का वैल्यू आएगा, ये जो x का वैल्यू आएगा, ये x का वैल्यू आएगा, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ दिमाग में, थोड़ा सा इधर करेंगे, फिर इसका क्यूब रूट करेंगे, ये वो करेंगे, तो x का वैल्यू जो है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 35,930 किलोमीटर अप्रोक्स, ठीक है। अब अच्छे से सुनना, ध्यान से, वैल्यू का मीनिंग नहीं है, मतलब समझ लेना। अब एक सैटेलाइट है आपके पास, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, अर्थ का रोटेशन भी कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट, ये भी कैसे रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, और ये अर्थ का जो रोटेशन है वो तो ठीक है, और इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वी नॉट जो फॉर्मूला में नहीं है, तो ये जो हाइट है, ये हाइट आ जा रहा है 35,930 किलोमीटर। अब इसका मीनिंग समझो, मतलब 35,930 किलोमीटर का हाइट, कहां से हाइट, अर्थ के सेंटर से, उतने हाइट पर क्या करना है, एक सैटेलाइट लेना है, उसको क्या करना है, रोटेट करवाना है एक खास ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ठीक है, जो कि अलग बात है, वो हम लोग पहले से जानते हैं कैसे डिराइव होता है, वो तो उस केस का अपना कुछ डिराइव होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मतलब 35,930 किलोमीटर पर एक सैटेलाइट अपने खास ऑर्बिटल वेलोसिटी से जब गोल 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 घूमेगा अर्थ के अराउंड, वो भी वेस्ट टू ईस्ट, तो आप लोग रिलेटिव मोशन चैप्टर पढ़े हैं, अपना कॉन्सेप्ट से बताना इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन कितना हो जाएगा, बताओ सोच के बताओ, इतना बैठे रहने पर क्या होगा, 35,930 किलोमीटर पर बिल्कुल इसके साथ 24 घंटा टाइम पीरियड रखें, 24 घंटा में अर्थ क्या करता है, अर्थ भी 24 घंटा में अपना क्या पूरा करता है, एक रोटेशन, और तुमने ये टी किसका पुट किया, अर्थ का थोड़ी पुट किया, ये तुमने वो सैटेलाइट का पुट किया, मतलब अर्थ भी 24 घंटे में रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर, और वो सैटेलाइट भी 35,930 किलोमीटर में 24 घंटे पर ही रोटेट कर रहा है, और उसका सिंक्रोनाइजेशन भी बिल्कुल वैसा ही कर दिए हैं जैसे अर्थ रोटेट करता है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो सैटेलाइट रुका हुआ महसूस होगा
दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब एक्चुअली में जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है बिल्कुल वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है बट अर्थ के कंपैरिजन में वो रुका हुआ है। इस वजह से ही ऐसे सैटेलाइट्स को ही हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और पूरा हमारा लाइफ साइंस जो है, मतलब जो स्पेस साइंस है, वो पूरा का पूरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर ही बेस्ड है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड है वही बताता है कि क्लाइमेटिक चेंज कैसा है, कब है, किस तरह का क्लाइमेटिक चेंज है, वो सब का सब बताने के लिए एक प्लैनेट के अराउंड। हम लोग तो मान के चलते हैं कि लाइफ फॉर्म अर्थ पर ही है तो अर्थ का ही बात करेंगे। तो अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं उन सब को सिंक्रनाइज जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के फॉर्म में ही क्या रहता है। अर्थ जैसे जैसे मूव करता है वो सैटेलाइट दूसरी तरह से मूवमेंट करता है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो होने के वजह से जिस तरह का अर्थ पर जो क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह है, सैटेलाइट का काम क्या था यही बताना ना, स्पेस से बताना किस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकता है, तो उसके लिए उसको अर्थ के साथ अर्थ के रोटेशन के हिसाब से ही सिंक्रोनाइज किया हुआ रहता है। ऐसे सैटेलाइट्स को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स दैट आर सिंक्रोनाइज इन सच अ वे दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स मोशन एंड अर्थ्स मोशन इज जीरो। और वो कितना हाइट पर आता है तो यहाँ पर डिराइवल करवाएगा लगभग 35,930 किलोमीटर पर आएगा। टाइम पीरियड 24 घंटा जो अर्थ का टाइम पीरियड है उस सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड उसी पर सिंक्रोनाइज कर देना है। और क्या बोला, हाँ ये जो ओरिएंटेशन है अर्थ का जैसे ओरिएंटेशन एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट है तो उसको भी वेस्ट टू ईस्ट करना है। उस केस में रिलेटिव मोशन बिटवीन दैट सैटेलाइट एंड अर्थ का मोशन इज जीरो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैव मेनी एप्लीकेशंस। ये स्कूल एग्जामिनेशन में आता है, इसका एप्लीकेशन याद कर लोगे लिखवा दूं। हाँ वही कम्युनिकेशन में इस्तेमाल है, क्लाइमेटिक चेंजेस वेदर चेंजेस इन सबको बताने के लिए हम लोगों को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा एप्लीकेशन और ये आएगा स्कूल एग्जाम में। और स्कूल एग्जाम तो छोटा मोटा बात है, नीट वगैरह में भी पूछ लिया है कभी कभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का एप्लीकेशन, मतलब ऑप्शन में से कौन कौन सा है। मैं एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ देता हूँ, उतना लिखेंगे नहीं। इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दीज आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। दीज आर इम्प्लॉयड फॉर स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर। दे आर यूज टू स्टडी सोलर रेडिएशन। दे आर यूज फॉर स्टडिंग कॉस्मिक रेस टू कैरी आउट रिसर्च वर्क। इन सब का इस्तेमाल हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पर करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के मदद से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्कूल एग्जामिनेशन पे ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन सब में पीछे आगे का बच गया वो मैं करवा करके चैप्टर को फिनिशिंग कर दूंगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्यू क्वेश्चन दैट यू नीड टू, मतलब पहले समझना भी है और बाद में इस तरह का क्वेश्चन आपको याद भी करना है। इतने बार आ चुका है ये मेंस में नीट में ये क्वेश्चन की साइड में लिखना पॉसिबल नहीं है, बट ये कम से कम 5 बार आ चुका है एक ही क्वेश्चन। 3 particles each of mass m, एक्चुअली में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। 3 particles each of mass small m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A. ठीक है, द ओनली फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ठीक है, इट इज डिजायर्ड दैट ईच पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल वाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल सेपरेशन ए। ठीक, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ क्या क्या है। 3 particles इक्विलेटरल ट्रायंगल को मास m, मास m और तीनों साइड का लेंथ भी दिया हुआ है। अब आगे देखो, अब सीधा सीधा बोल रहा है कि दोनों बॉडी के बीच में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे उतना दूर दूर वाले ऑब्जेक्ट में वैसे में भी ग्रेविटेशनल फोर्स से लगेगा, और कौन सा फोर्स लग सकता है ना। तो चलो जो दिया है सो दिया है, लेते हैं इन दोनों के बीच इसका नियमित कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका नाम मान लेते हैं F1, इसका नाम मान लेते हैं F2। जैसे इस पार्टिकल के लिए देखे, इस पार्टिकल के लिए इधर और इधर होगा, इसके लिए इधर अट्रैक्शन फोर्स और इधर होगा, ये सब हो गया। आगे बताओ, अब क्या है कि कुछ डिजायर हो रहा है, ये तीनों पार्टिकल कैसा गोल गोल, मतलब कैसा चलते रहे हमेशा सर्कुलर मोशन में वाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल सेपरेशन है, मतलब ये
ये सर्कुलर मोशन में ही चलते रहता, क्वेश्चन में कह रहा है। और ये जो ए डिस्टेंस है वो बना हुआ रहे ऐसे ऐसे, ये तीनों ऐसे ऐसे ही चलते रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या देना, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसको मूव करना है, जैसे चलना है लेकिन ऐसे चलना है कि हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही चलते रहे, और मतलब सर्कुलर मोशन में ही तीनों के बीच में पाथ बनता रहे, क्वेश्चन में कह रहे, ठीक। तो इसको ऐसे चलने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा? गलत गलत आंसर, लाइन बाय लाइन मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ, पहले तो एक वेलोसिटी देना पड़ेगा, एक एक स्पीड, एक वेलोसिटी चाहिए जिससे कि ये तीनों मूव करेगा और आपस में गोल 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 घूमता रहेगा। कुछ लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बता रहे हैं, 100% गलत है। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक प्लैनेट के अराउंड एक सैटेलाइट को गोल 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 घूमने के लिए एक वेलोसिटी लगता है, दैट इज ओनली ऑर्बिटल वेलोसिटी। यू कैन नॉट यूज द वर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी जहां मर्जी तहां, नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हाट इज इफ सैटेलाइट के लिए, हाँ उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो उसके प्रूफिंग में था, वो एक अलग बात है, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हाट आप सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो एक वेलोसिटी देना है गोल 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 घूमने के लिए, खास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है। अभी इसका नाम वी मानेंगे, इसको भी चाहिए वही वेलोसिटी, इसको भी चाहिए टेंजेंशियली, आगे समझ में, यही चाहिए। अब गोल 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 घूमने के लिए फोर्स चाहिए होता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। का डायरेक्शन किस तरफ होता है? वाया रेडियस, मतलब ये फोर्स चाहिए। एक एक पार्टिकल के लिए बात करते हैं, मान लो इस पार्टिकल के लिए ये गोल 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 अगर घूम रहा है तो इसको क्या मिल रहा है गोल घूमने के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अभी आप ही लोग बताए सेंटर की तरफ होता है, वाया रेडियस, मतलब इसको यहाँ पर एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि ओवरफ्लो कर रहा है? अगर ओवरफ्लो कर तो पीछे से जाके फिर पढ़ो वेक्टर सर्कुलर मोशन। ओवरफ्लो कर रहा है तो पीछे का पढ़ो, मैं शुरू से बोलो पीछे का पढ़ो, आगे का तो खत्म ही हो जाएगा, पीछे ही याद नहीं रहा तो क्या कर लोगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब वो एफ निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एक पार्टिकल के लिए, फॉर ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का बात कर लेते हैं, फॉर ईच पार्टिकल, फॉर ईच पार्टिकल ऑफ मास एम, इसको चाहिए क्या एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाता है? दिस इज एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इसका कुछ आर होगा, अरे समझ। अब सवाल है ये फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाँ इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स छुड़ा करके और कोई फोर्स तुमको लेना नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ, अरे समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ इस पार्टिकल के लिए? देखो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन सा था? अरे एफ वन नाम है बाप, लग रहा खुद को पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ वन, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ टू, बस यही दोनों फोर्स है। यही दोनों फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा? ये वाला रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसको गोल गोल घूमने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में डेटा गिवन है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए गोल घूमने के लिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दोनों पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको छोड़ करके और कोई फोर्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है, सब क्वेश्चन में कह रहा है। बैंकिंग पढ़े थे, बेंडिंग पढ़े थे, वो रोटर पढ़े थे रोटर, और कल परसों आप लोग पढ़े ऑर्बिटल वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स तो ठीक है बट देखना पड़ता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है। इस क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो दो और दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कोई डाउट यहां तक? तो ये जो है वो एक्चुअली में इन दोनों से ही आएगा। अब यहां पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, हाँ बिल्कुल, अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब बोलोगे वेक्टर पढ़ा हुआ नहीं है तो बैठो, नहीं पढ़ा हुआ तो रिलैक्स करो, अपने ऊपर अफसोस करो कि 10 दिसंबर महीना आ गया 11th का और आपको वेक्टर पता नहीं है, तो बैठो रिलैक्स करो, ठीक है। जिनको पता है उन लोग को आइडिया होगा कि इसको रिजोल्व करके भी बना सकते हैं एक्चुअली में, और रिजल्टेंट से भी पता लगा सकते हैं। रिजल्टेंट हम लोग सीखे थे, ये फोर्स है एफ वन और ये फोर्स है एफ टू, दो फोर्स का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकलता है, जो कि ध्यान से देख रहे हो ये दोनों को, ये दोनों फोर्स है ना, इसका अगर ऐसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते तो ये इसी तरह आता, तो थोड़ा काम बन रहा है, अरे समझ। इसका रिजल्टेंट कहीं यहीं पर आता है, मतलब एक चीज सीधा बोल सकते हैं कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, साफ साफ दिख रहा है। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला रटे थे हम लोग, क्या था? अंडर रूट, बोलो, दिस इज पी स्क्वायर
चलो एफ वन का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, एफ वन का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू, इसमें पढ़ाया था थीटा क्या होता था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता था, देखो हाँ ये 60 डिग्री हो रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा और साफ साफ डायग्राम से पता चला ये जो रिजल्टेंट है वही प्रोवाइड कर देगा रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, तो ये रिजल्टेंट से काम चल जाएगा, ठीक है यहाँ तक आ गया, फिर से बताऊँ, ठीक है। अच्छा आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, गिवन डेटा सिर्फ स्मॉल ए है, मास एम है, मतलब आंसर ए एम इन्हीं सबके फॉर्म में, ये नहीं कि 30-40 आंसर आ गया, दिया ही वो नहीं आपका आंसर कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट निकालते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर वन मान के छोड़ देते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 60, दिस इज 1/2, सो दिस इज रिजल्टेंट इज एक्चुअली में एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर। और एक चीज ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्म था G M1 M2 by R स्क्वायर, तो G सेम है, M1 M2 सेम है और R स्क्वायर ये A है, ये तो सेम ही हुआ ना, ये दोनों जब सेम ही है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये फॉर्मूला, कितना जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर फिर F F F का स्क्वायर, जैसे 3F का स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि ओवरफ्लो, ओवरफ्लो करा तो पढ़ो घर पे बैठ के कि क्यों हमको कुछ नहीं आ रहा समझ में, रूट थ्री एफ। अब ये F निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है, क्वेश्चन में मेंशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था जी एम वन एम टू एम एम बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस ए का स्क्वायर, तो यही रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट इज रूट थ्री जी एम स्क्वायर, ठीक है। यहां तक फिजिक्स की बातें हो गई, अब थोड़ा मैथ की बातें कर ली, आर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के गिवन में आर डेटा कहीं मेंशन नहीं है, क्वेश्चन ए के फॉर्म में है, तो तुम आर के फॉर्म में आंसर छोड़ नहीं सकते हो, तो थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन करके उस आर को तुम्हें ए के फॉर्म में मैनेज करना पड़ेगा। अब तुम ट्रिग्नोमेट्री से निकालो या फिर या तो ट्रिगो से निकालो या फिर क्लास नाइन्थ में बताया गया था, क्लास नाइन्थ में आपको बताया गया था सेंटरॉइड जो है मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है, उससे निकालो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हम लोग लगता है किससे निकाले हैं, हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, पहले यहां से यहां तक ये पूरा है ना बस, इसको ए बी सी इसका नाम डी मान लेते हैं, ये 30 डिग्री हो जाता, थोड़ा ट्रिगो का यूज करते हैं पहले, साइन 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो बी डी का वैल्यू ए बाय 2 हो जाएगा, हाइपोटेनस में ए हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 बराबर 1/2 प्रूफ हो गया, ये तो पहले से पढ़ा, तो कुछ और डर हमें निकालना है, एक्चुअली ये निकालना बेस बाय हाइपोटेनस, एक्चुअली कॉस 30 का कॉस 30 रूट 3/2 बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, आप बताओ बेस में कौन निकल जाता है, एडी, हाइपोटेनस में ए है, देयरफॉर एडी बराबर रूट 3a बाय 2 हो गया। अब क्लास 9 का रूल का इस्तेमाल करेंगे, ये मीडियन भी होता है और ये ओ पॉइंट सेंटरॉइड भी होता है, ये क्लास नाइन्थ के सर्कल चैप्टर में पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ो तो अफसोस करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटरॉइड और सर्कम सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, और सेंटरॉइड जो है वो अपने मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता था, ये पढ़े थे पहले, उसी का यूज कर लेते हैं, वैसे पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगा। तो ये जो एक्चुअली में AO है 2:1 मतलब ये 2/3 टाइम्स ऑफ AD होगा, समझ में आ रहा है कि ओवरफ्लो कर रहा है, तो दिस इज AO ही रेडियस है ना हमारा, देयरफॉर R इज कितना हो गया, R इज रूट 3A बाय 3 हो रहा है, ठीक है, रूट 3A बाय 3 एक बार देख ले, सही हो रहा है ना, जब आंसर आएगा तो चेक कर ही लेंगे। अब हम लोग कहां पर फंसे हुए थे, हम लोग फंसे हुए इक्वेशन 1 पे, देखो इक्वेशन 1 बिकम्स M का नाम M ही था, V शायद निकालना है, V ही निकालना, R का वैल्यू आया रूट 3 A बाय 3 इज इक्वल टू R, यहां पर कहीं निकाले थे ये ना, चलो ये R के बराबर, R यहां निकला हुआ है,
रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बताओ एम से एम कटना जरूरी है, आंसर तो ए के फॉर्म में ही आता, रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी बराबर अंडर रूट जी एम बाई ए। इतना तीनों को चाहिए होगा, तीनों को अगर जी एम बाई ए से गोल 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 घुमा दें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर भी चलेगा और अपना सर्कुलर मोशन को भी मेंटेन करेगा। आंसर चेक कर लेते हो, सही होना चाहिए बहुत बड़ा एग्जाम में, विद अंडर रूट जी एम बाई ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन, ये ग्रेविटेशन है। देखो जो लोग आधा अधूरा नॉलेज से क्लास 11 12 तक आप नहीं पढ़ेगा, आपको केवल ग्रेविटेशन आता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको वेक्टर आना चाहिए, रिजल्टेंट रिजोल्यूशन करने आना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए, नहीं तो थ्योरी तो किसी भी कोचिंग में जाके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सेम क्वेश्चन अब तुम लोग बनाओ। फोर पार्टिकल्स है, ईच ऑफ मास एम है, आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह नहीं होगे। द ओनली फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इट इज डिजायर्ड दैट ईच पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। इस बार दिया हुआ कैपिटल आर, पिछले क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ था, रेडियस वाला तुमको निकालना था सर्कुलर मोशन का, इस बार वो दिया हुआ है आर बट साइड नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है वो तुमको निकालना पड़ जाए क्वेश्चन में शायद। क्वेश्चन वही है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन लिख लो। और कुछ लोग बोल रहे हैं खुद से ट्राई करने वाले हो तो एक बार करके देख भी लो, जब तक इस तरह का क्वेश्चन खुद से खोलोगे नहीं तो फिर मेरा देख देख के क्या होगा। ऑप्शन लिखो, बना के देखो बनता है। हाँ दिवाली बना रहे, चलो भाई तो बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ दिया था ना मैं, हाँ अब कहाँ भाई स्क्वायर की बातें हैं। पार्टिकल का मास दिया हुआ है, कैपिटल है तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम दम साध के बनाना रहता है, एक भी बना लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि इसके नीचे वाला तो जरूर बना देंगे। अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये बनाना है, लिखा हुआ सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये रेडियस दिया हुआ है, बस इतना ही, ठीक है। तो किसी एक पार्टिकल के लिए देख लो जिसपे तुमको ठीक लग रहा है, मान लो इसको देख रहे हो, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका नाम एबीसीडी कर देते हैं, एफ वन नाम दे दो समझ जाओगे यहां पर, और इसके इसके बीच में भी तो लग रहा है यार, समझ में, ये एफ थ्री, ये F1, ये F2, ये F3 का जो रिजल्टेंट होगा वही प्रोवाइड करेगा इसका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स गोल 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 घूमने के लिए। रिजल्टेंट हमें अबे रिजल्टेंट को मैं पिछले क्वेश्चन में R से लिखा था बट इस क्वेश्चन में रेडियस ही R से लिखा हुआ है, तो थोड़ा बच के करना, ये नहीं कि इसको रिजल्टेंट समझेगा, ये रेडियस है। अब ये सब चीज मेरे को समझाना पड़ेगा तो बेवकूफ वाले, ये तुम समझो R से क्या दिया हुआ, बच्चे नहीं हो तुम, इसका इसका और इसका रिजल्टेंट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। और सेंटीमीटर फोर्स के लिए एक स्पीड का जरूरत पड़ेगा, वही भी अभी हमें निकालना है, तो रिजल्टेंट वा निकालना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्टेंट कितना होगा, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, एफ वन एफ टू का, इस तरफ आएगा ना, उसका नाम ऐसे F12 लिख देते, समझ जाओगे F12 क्या है, F12 रिजल्टेंट है किसका, F1 और F2 का, कैसे निकलता है, P का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देख रहे हो, ये F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो
ये थोड़ा कर लेते, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहता नहीं तो। लेकिन F13 का नहीं है, मतलब इसका नहीं आएगा, ये थोड़ा आगे पीछे आ जाएगा, इसको ख्याल रखना है। F12 और F21 बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको F लिख लेते हैं, कंफ्यूजन से थोड़ा बचेंगे। तो F का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस cos 90, ये पहले भी समझाया हूँ, दोनों बॉडी के बीच पर 90 डिग्री है, तो ये ऐसे ही खत्म है गेम से। इसका रिजल्टेंट जो है वो √2F आ जाएगा, √2F, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो बोलना √2F। अब F कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स से निकालते हैं, दिस इज जी, M1 M2 तो M स्क्वायर, भाई थोड़ा पेंच है, ये वाला निकालना है AB का स्क्वायर, थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन लगेगा, ये चाहिए कितना होगा, ठीक है, थोड़ी सी मैथ लगे। क्वेश्चन लिख लिए हो, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, √2R। ये सब खुद से बना लोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मेरा देख करके तो बना ही लोगे, बट उससे फर्क क्या पड़ता है, देख के तो बना ही लोगे। हाँ भाई, थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट चाहिए। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये आर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये पूरा 2R हो गया है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर 4R का स्क्वायर, मतलब 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर A स्क्वायर, तो एक साइड जो है वो √2R का है। कुछ गलत हो गया क्या, R सॉरी 2R स्क्वायर, रूट करेंगे तो √2R हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक एक साइड जो है वो √2R का है, ये क्लियर है, यहाँ पर फंसे हुए थे, दिस इज √2gm स्क्वायर बाय ये भी ही है साइड, √2R का स्क्वायर है, 2R स्क्वायर, ये हो गया F12 का वैल्यू। अब ये F3 कितना होगा, F3 इसके इसके बीच में, दिस इज gm स्क्वायर बाय यहां से यहां तक का दूरी का स्क्वायर 4R का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल रिजल्टेंट कितना हुआ, फाइनल रिजल्टेंट ये वाला भी इसी तरफ था, √2gm स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, और ये वाला भी इसी तरफ था, और वेक्टर है, वेक्टर एक ही तरफ है, तो बस थोड़ा जोड़ देंगे, प्लस g का स्क्वायर प्लस ये पूरा रिजल्टेंट है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, है तो बोलो, और नहीं तो फिर पीछे का वेक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ो, और यही सब फोर्स क्या प्रोवाइड कर देगा इसको, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ जाए तो जा रहा है, ये दोनों सेंटर से होते हुए जाए तो जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इसको प्रोवाइड करा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। कोई डाउट, मतलब कोई डाउट बोल तो सही, तो ये प्रोवाइड कर देगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय R का नाम R ही दिया हुआ था इस प्रश्न में, ओके सोके है, ठीक है। तो mm कट जाएगा, बाकी अब बचा गया R भी कट जाएगा, तो थोड़ा बताओ कितना बचा, v स्क्वायर इज इक्वल टू mm कटा हुआ भैया, बोल भाई √2gm, क्या क्या काटे थे, m स्क्वायर होगा, एम तो काट दिए हैं, तो एक 2 बचेगा और एक R बच जाएगा, प्लस जी एम बाई 4R, सही हो गया। एलसीएम लो, ऊपर 2√2 प्लस आगे थोड़ा कॉमन वॉमन लो, जी एम कॉमन बाई वी निकालना था, इसका रूट करना पड़ेगा। चलो बताओ, इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा, बाकी किसी का रूट निकल नहीं रहा है, जी एम √2 1/2 बाहर, जी एम 1 प्लस 2√2 बाई आर, ये इसका आंसर आ रहा है, तो मुश्किल नहीं है। ये है जेमेंस 2015 का क्वेश्चन, मुश्किल लग रहा है तो बोलो तो मैं सॉल्व करूं, बट ये मत समझना
बाकी टीचर आपको ऐसे पुट वाला क्वेश्चन करवा देते हैं क्लास में, तो मैं भी पुट वाला करवा दूं, उससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है ना। अभी इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, मजेदार है। मतलब एक पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, गोल गोल गोल, कहाँ पर, सर्कुलर ऑर्बिट पर। रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, और जो उसमें फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ आर के। जो उसमें फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ आर के। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है कैपिटल टी, देन टी और आर के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है आपको। क्वेश्चन को पहले समझ लो और फिर एक्सप्लेन करो कैसे बना सकते हो। बताओ, पार्टिकल है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ठीक है, तो गोल 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 घूम रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एम, वो कुछ दिया हुआ नहीं, दिया हुआ ना, तो एम मान लेते हैं वी स्क्वायर, ये क्या, अब ये अभी तक आप दो तीन क्वेश्चन पढ़े हैं, ये कौन प्रोवाइड करता है ये वाला, अभी तक दो तीन क्वेश्चन तुम कर रहे हो उसमें ग्रेविटेशन, इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, ऐसे लिख दोगे क्या ऐसे ग्रेविटेशन, गलत हो जाएगा, लेकिन कोई तो प्रोवाइड कर ही रहा है, वो देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन कर रहा है। इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इन्हें सेंट्रल फोर्स है, कोई एक फोर्स है जो कि पता नहीं कितना है, बट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द nth पावर ऑफ आर के। मतलब ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के पावर एन पर, समझ आ रहा है, और यही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है तो कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट डाल देते हैं जो जो भी ठीक लगे, प्रोपोर्शनल बराबर से के मान लेते हैं, के आर की पावर है। मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है और ये प्रोवाइड कर रहा है गोल घूमने वाला एक फोर्स, गोल घूमने वाला फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर ये वाला फोर्स प्रोवाइड कर रहा है के बाई आर की पावर एन। ये डेटा है, बोलो कोई डाउट इसमें, इस डेटा से तुम्हें गोल 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 घूमने का टाइम पीरियड बता देना है कितना होगा, तो ये शायद बता सकते हैं हम लोग। मास कांस्टेंट होगा पार्टिकल का और के भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वन बाय आर की पावर, अब ये उधर जाता तो इधर जाता तो आर, और फिर डिवाइड है तो नीचे नीचे क्या होगा, रुको रुको मैं करता हूँ, या ऊपर ही बताओ, समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ, ऊपर r का पावर 1 बाय नीचे n, तो r का पावर 1 माइनस n, बस ऐसे ऊपर ही छोड़ते हैं तो r का पावर ऐसे 1 माइनस n, नीचे कर लेते चलो तो कितना आ जाएगा, नीचे करने पर n श्योर हो, नीचे करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, चलो v, बट v के बारे में नहीं पता, टाइम पीरियड पूछ रहा है, चलो तो आप v बताओ, v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, r का पावर, ये आता है ना करना है, अरे नाइन्थ क्लास में पढ़ना था एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, t स्क्वायर 5, तो t बराबर क्या हो जाएगा 5 का रूट, रूट का मतलब 1 बाय 2 लिखते हैं, तो n माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब v नहीं, टाइम पीरियड पूछ रहा था, तो अब गोल घूमने का टाइम पीरियड तो नाइन्थ क्लास से पढ़ रहे हैं, गोल बॉडी घूम गोल 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 घूम रहा है, दिस इज सर्कमफेरेंस बाय स्पीड, दिस इज टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाय बी, हाँ बी का वैल्यू नहीं, कांस्टेंट के फॉर्म में है तो ये समझ जाओगे ना, तो ये 2 पाई बी कांस्टेंट है एक्चुअली में, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर बाय बी, खुद कितना है लेकिन 1 बाय बी है, 1 बाई बी है तो कितना हो जाएगा, आर का पावर, बट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का पावर एन माइनस 1 बाई 2 है, मतलब ये आर का पावर एन माइनस 1 बाई 2 ऊपर लिख दे, ये नीचे बोल रही है, एक बार सोच लो यार, वो पूरा गलती हो जाएगी, सीधा हाँ इसी को सीधा मतलब
वन बाई बी, ये बी है, वन बाई बी इधर आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, तो वन बाई बी का आर का पावर एन माइनस वन बटू, तो ऊपर ना होगा। हाँ तो वन बाई बी के जगह पर ये वाला ऊपर हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? सही हुआ, इसको गलत लग रहा है, ये गलत बोल रही है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, करो पावर ऐड करो, वन प्लस कितना हुआ एलसीएम नेगेटिव, थ्री कैसे हो जाएगा कुछ भी, आर का पावर एन प्लस वन है नहीं, बस दिस इज डी क्वेश्चन नंबर 9 का डी। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। और मेरा कौन सा ऑप्शन था इसमें, डी नंबर, ये मेंस 2018 का है, जैसे मेंस 2018, और ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, जैसे स्कूल में भी आता है। क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था, इस चैप्टर में रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन में कोई एक फोर्स है बताया नहीं है, वो ऐसा फोर्स है जो आर का पावर एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वही प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, उसके बाद तो मैथमेटिकल है, ठीक है। उसको लिख लो और इस तरह का एक और क्लास में ले लूंगा ट्यूसडे को, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। सारा प्रीवियस ईयर तो करवाना पॉसिबल नहीं है, बट जितना डिसेंट में मेंस और नीट में आया है वो मैं करवा देता हूँ, एक क्लास और ले लेते हैं, तब तक आपके पास टाइम है, आप लोग घर पर अपना प्रूफिंग वगैरह तो कॉपी में लिख के चलो, जैसे आधा अधूरा कॉपी लेके मत आओ, पूरा कॉपी लाओ पूरे, क्योंकि पीछे बार बार मैं बोलता हूँ देखने के लिए, तो कॉपी कंप्लीट है देखोगे कहाँ से, पहले देख लो फिर एक क्लास और में सारा क्वेश्चन जो हम लोग इससे क्लियर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।